आप बिल्कुल अच्छे होंगे। तो हमने अब तक में ब्रेन टीजर कंप्लीट कर ली थी इस वर्कशीट में, वर्कशीट 1, 2 एंड ब्रेन टीजर कंप्लीट हो चुकी है। उसमें से जो क्वेश्चन आपको पूछने होंगे आप पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, हम बता देंगे उसमें। वैसे मैंने जनरली सारे क्वेश्चन करा दिए हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि जो आपको नहीं आएंगे, ठीक है। तो अब हमारे हॉट्स रह रहे हैं, हॉट्स भी क्वेश्चन इसके हॉट्स के अच्छे हैं, मतलब जनरली ऐसा होता है कि ये क्वेश्चन ऐसा है ना कि हमेशा पूछता ही पूछता है आपको। मैं कहूँ कि 2-3 क्वेश्चन ऐसे कुछ भी डिजिट चेंज कर देगा और क्वेश्चन पूछ लेगा वैसे ही, तो आपको उससे डरना नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं। चलिए हम करते हैं। सबसे पहले इवैल्यूएट, इवैल्यूएट का मतलब क्या होता है, वैल्यू पुट करो, वैल्यू निकालो, ठीक है। तो इसको देखो कैसे करना है, कोई भी इसे देख कर डर जाएगा कि पता नहीं समझ नहीं आ रहा क्या करें, लेकिन देखो कितना ईजी है ये, है ना। तो इसको देखो 27 का क्या है, क्यूब है, क्यूब रूट निकालना। 27 का क्यूब रूट क्या होता है आपको पता होना चाहिए, क्या होता है 3 होता है, ठीक है। तो अब देखो कैसे कैसे सॉल्व करना है इसको, आराम आराम से लेके चलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3, 2, 8, 8, ठीक है। और क्यूब रूट का ध्यान रखना भाई, किसके किसके सामने क्यूब है, कितना होगा 72 इंटू 27 का क्यूब रूट क्या निकला, 3, ठीक है, 3 निकला। अब देन चलो अब क्या करेंगे, देखो 72 इंटू 3 करो, तो पहले लिख लो यहाँ पे किसका किसका क्यूब रूट निकाले, 288। एक एक करके सॉल्व करना है, वो भी हमारा क्या है, राइट टू लेफ्ट जाना है, क्या करना है, राइट टू लेफ्ट जाना है, क्लियर। पहले 27 का किया तो हमने 3 आ गया, अब 27 जो 3 आया, 3 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 72 से करेंगे, तो कर दो मल्टीप्लाई भाई, इसमें कर दो मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा, 3 2 6 और 7 3 21। 216 का क्यूब रूट क्या होता है, जल्दी बताओ, मन में सोचो, 216 का क्या होता है, 3 क्या होता है, 6, क्या करोगे, 288 इंटू इसका क्यूब रूट निकालो, 6। अब क्या हो गया, अब देखो इजी हो गया ना, अब इसको मल्टीप्लाई कर दो बस, सिंपली और कुछ नहीं करना, मल्टीप्लाई करना है। तो 8 6 48 कैरी 4, 8 6 48 48 और 4 कितना बचा, 52, 52 का 2 कैरी 5, 6 2 12 और 12 और 5 कितना हुआ, 17। अब ये किसका क्यूब रूट होता है, देखो ये इसका क्यूब रूट आप ना अपने जो एक्सरसाइज है ना उसमें बहुत बार निकाल चुके होंगे, ठीक है। ये होता है 12 का, ठीक है, लिख लेना, अगर ऐसे समझ में ना आना तो क्या करना, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेना, प्राइम फैक्टराइजेशन करके निकाल देना इसका आंसर, नहीं समझ में आएगा तो, ठीक है। तो ये किसका क्यूब रूट होता है, इसको मैं लिख सकती हूँ आराम से, कितना, 12 इंटू 12 इंटू 12, तो किसका क्यूब रूट हो गया, 12 का। आंसर क्या आया आपका, 12, दैट इज योर आंसर, क्लियर। कोई प्रॉब्लम हुई, बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, कुछ नहीं करना है इसमें, ठीक है, थोड़ा सा समझना है और अपना कॉन्सेंट्रेट बना के रखना है, ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, बहुत ज्यादा। नेक्स्ट देखो भाई, नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है वो, 3 नंबर्स आर इन द रेशियो, 3 नंबर्स है वो रेशियो है, 2:3:4 में है, द सम ऑफ देयर क्यूब इज दिस, इनका इनके जो सम है इनका क्यूब का वो इतना है, फाइंड द नंबर्स, तो साथ में नंबर्स करना है, देखो उसको कैसे करेंगे, ऐसे क्वेश्चन को बहुत ईजी है ये भी। चलो 3 नंबर है ना, 3 नंबर का रेशियो, क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 1 कर दिया, क्वेश्चन नंबर 2 है, लेट द नंबर्स, अगर हम लेट द नंबर्स करेंगे, हमें क्या करना है, देखो 2:3:4 में है तो उसको हम लेट कर लेते हैं 2x, 3x, 4x, हम ऐसे टर्म्स में इसे डिनोट कर लेते हैं, ठीक है। अब इसने क्या पूछा है, इसने बोला है कि सम ऑफ देयर क्यूब्स, इनके क्यूब का जो सम है, सम ऑफ देयर क्यूब्स, देयर क्यूब्स आर कितना है, 3, 3, 9, 5, 7, ठीक है, ये है 3, 3, 9, 5, 7। अब देखो इसका सम कर दो, सम करना भाई, 2x का क्यूब, ये तो पूछ रहे हैं, 2x का क्यूब इसका क्यूब प्लस 3x का क्यूब प्लस 4x का क्यूब, इनका जो सम है वही, उसकी वैल्यू कितनी आई, 3, 3, 9, 5, 7 ये आई है, क्लियर। तो अब देखो इसको क्या करना है, 2 का क्यूब कितना हो जाएगा भाई, 8, जल्दी जल्दी बोलो मन में, 3 का क्यूब कितना हो जाएगा, 27x क्यूब प्लस 4 का क्यूब कितना हो जाएगा, 64x क्यूब। कोई प्रॉब्लम, आई थिंक यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। अब देखो क्या करो, सिंपली x³, x³, x³ तीनों में से x³ कॉमन ले लो, क्योंकि सब में क्यूब तो कॉमन, ये आपको इजी वे बता रही हूँ मैं, बिल्कुल इजी वे, प्लस 64, ठीक है। अब क्या करो, इन तीनों को प्लस कर दो, 8 8 64, ठीक है। अब क्या करो, इन सबको प्लस कर दो, तो कितना हुआ, 7 और 3 10 और 11 11 और 8 आपके कितने हुए, 11 और 8 19, कैरी 1, 6 2 8 और 1 9, ठीक है, ये कितना होगा, 99 क्यूब, 3 3 सॉरी इसको तो लिखा ही नहीं, 3 3 9 5 7, स्टेप बाय स्टेप चलना है हमें, 9 5 7। अब x क्यूब यहीं पे छोड़ दो, अब क्या करोगे,
33957 अपॉन 99। सबसे पहले किससे डिवाइड करोगे, 3 से, 3 करोगे 3 3 जा 9 3 3 जा 9, 3 1 जा 3 3 1 जा 3 3 3 जा 9 3 1 जा 3 3 9 जा 27। ठीक है, अगेन 3 के डिवाइड से कट करो, 3 1 जा 3 3 1 जा 3, फिर क्या हो जाएगा यह 3 2 जा 6 3 3 जा 9 बचा 2, 3 7 जा 21 बचा 2, 3 7 जा 21 3 3 जा 9। ठीक है, अब 11 के टेबल से डायरेक्ट काट दो, कट जाएगा वो आराम से, 11 1 जा 11 11 3 जा 33, कितना बचा है 33 यानी कि 4 बचा, तो यहाँ पे दे दिया 4 यानी कि 11 4 जा 44 44, यहाँ पे 3 बचा 11 3 जा 43। अब क्या आ गया इसका, कट करना अच्छे से आना चाहिए भाई, कट नहीं कर पाओगे ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अब देखो इसका क्यूब निकालना है, क्यूब रूट निकालना है, तो क्यूब रूट कर दो भाई, 343 का क्यूब रूट अभी किसका होता है जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, ये किसका होता है 7 का, तो 7 × 7 × 7, तो आपका आंसर क्या आ गया, x की वैल्यू क्या आ गई आपकी 7। लेकिन हमें क्या निकालने थे, नंबर्स, तो नंबर्स आर 2x था, तो 2 × 7 दैट मीन्स 40। एक क्या था 3x था, तो 3 × 7 कितना हो गया 21। फिर कितना था 4x था, तो 4 × 7 कितना आ गया 28। दैट इज योर आंसर, क्लियर, कोई प्रॉब्लम, आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब इनरिचमेंट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या चलते हैं इनरिचमेंट क्वेश्चन। देखो इसको ना बहुत छोटे से में, बहुत छोटे से में एकदम से कर देंगे। देखो अब अपनी बुक ओपन करके रखिएगा, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 10 बाय एस्टिमेशन मेथड, बाय एस्टिमेशन मेथड से हमें करना है। अब देखो एस्टिमेशन मेथड कैसे लगाते हैं, क्लियर करो, क्या दे रखा है भाई 4 7 4 1 6 3 2। मैंने क्या कहा था, जो भी नंबर है सबसे पहले हमें, अगर हमें एस्टिमेशन क्यूब रूट में लगाना है तो 3-3 की पेयरिंग बनानी पड़ेगी, 3 की पेयरिंग बनती है स्टार्टिंग में, बाकी जो बचा हुआ सेकंड ग्रुप पर रख देते हैं। तो फर्स्ट ग्रुप में एक बनाते हैं हम फर्स्ट ग्रुप, ये ग्रुप हमारा फर्स्ट होता है एंड ये हमारा क्या होता है ग्रुप सेकेंड होता है। फर्स्ट ग्रुप में स्टार्टिंग के 3 नंबर 6 3 2, बाकी जो बचे हुए हैं वो सेकंड ग्रुप में 4 7 4 1। ठीक है, अब मैंने क्या बताया था इसका लास्ट नंबर, मैंने क्या बताया था जो 2 होता है वो किसमें चेंज हो जाता है 8 में, और जो 3 होता है वो किसमें चेंज हो जाता है 7 में, ये रिवर्स होते हैं, अगर 8 होगा तो 2 हो जाएगा, 2 होगा तो 8 हो जाएगा, और ऐसे ही सेम 7 होगा तो 3 हो जाएगा, 3 होगा तो 7 हो जाएगा, क्लियर। तो इसका तो सिंपल क्या आ गया, यूनिट डिजिट पे क्या आ गया 8, यूनिट डिजिट पे। नाउ इन यूनिट डिजिट इन वंस प्लेस, वंस प्लेस पे कितना होगा, वंस प्लेस डिजिट ऑफ क्यूब रूट इज 8 आ गया। अब हम इस सेकंड प्लेस यानी कि टेंथ प्लेस की चाहिए, तो टेंथ प्लेस के लिए हमने क्या करते थे, हम लोग हमेशा क्या करते थे 4 7 4 1, इसे हम क्या करते थे 4 7 4 1 इसको बीच में रखते थे, ठीक है, और इससे पीछे और इससे बड़ी वैल्यू, तो 4 7 4 1 ये हमारी आपकी क्या हो जाएगी 4096, 4096, और ये आपकी क्या हो जाएगी 4913। ठीक है, इनके बीच में अब देखो इनका क्यूब रूट क्या होता है, इनका क्यूब रूट होता है 6 का क्यूब 16 का क्यूब, 4 7 4 1, और ये कितना होता है 17 का क्यूब, इन दोनों के बीच में लाई करेगा। जैसे जैसे आप 1 से लेकर 20 तक के क्यूब रूट अगर आप सोचेंगे ना, तो इससे 1 से लेकर 20 तक के क्यूब रूट से ज्यादा आपके में पूछा भी नहीं जाएगा, क्योंकि बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो 1 से लेकर 20 तक के क्यूब रूट में ये अपने आप ही आ जाएगा। तो 16 का क्यूब होता है 4096, थोड़ा सा याद भी कर लेना, 17 का क्यूब होता है कितना 4913। ठीक है, अब मैंने क्या कहा था जो 16 का क्यूब है भाई, जो 17 का क्यूब वो तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, ठीक है 200 समथिंग जाएगा, तो हमेशा हम कौन सी वैल्यू लेते हैं, कम वाली वैल्यू लेते हैं, तो टेंथ डिजिट पे क्या आएगी हमारी 16। नाउ इन टेंथ प्लेस ऑफ अ क्यूब रूट नंबर इस कितना होगा 16, सो क्यूब रूट ऑफ कितना 4 7 4 1 6 3 2, इसका आप क्यूब रूट निकाल रहे थे, तो इसके लिए क्या आया था 8, और इसके लिए अभी क्या आ गया 16 168 का क्यूब रूट है। चाहो तो क्रॉस चेक कर लेना, 168 × 168 × 168 कर लेना, अपने आप आंसर आ जाएगा, क्लियर। नेक्स्ट देखो इसी का लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का, देन ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब हूज सरफेस एरिया इज दिस, वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकालना है जिसका सरफेस एरिया हमें दे रखा है। ऐसे क्वेश्चन
भी पूछे जाते हैं दो नंबर में जनरली, इसको ध्यान देना। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, सरफेस एरिया दे रखा भाई, तो सबसे पहले तो तुम्हें ये याद होना चाहिए कि सरफेस एरिया होता क्या है, ठीक है। वॉल्यूम जो हमारा होता है यानी कि क्यूब का, देखेंगे सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इक्वल टू कितना होता है भाई, 6a2, क्या होता है 6a2, क्लियर। नहीं आता ना तो याद कर लेना, कोई इसमें वो बड़ी बात नहीं है, ठीक है। थोड़ा साइंस में भी पढ़ा होगा, सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब क्या है, 6a2, तो वो कितना दे रखा आपको 150, 150 इक्वल टू 6a2, तो हमें यहाँ से किसकी वैल्यू निकालनी, a की, तो 150 ये मल्टीप्लाई में है तो किसमें चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। चलो भाई डिवाइड में कर देते हैं, 3 × 6 = 15, 2 × 8 = 25, ठीक है। तो क्या आ गया यहाँ पे, a² = 25, तो a की वैल्यू निकालें तो क्या करो, अंडर रूट चढ़ा दो, अंडर रूट 25 कितना होता है 5, ठीक है। क्या निकला 5 सेंटीमीटर, मीटर है, मीटर है भाई, मीटर आ गया, ठीक है, मीटर स्क्वायर हो गया ये, तो मीटर आ गया। a की वैल्यू निकाल के वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब निकाल लो। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूब थोड़ा मन में याद कर लेना, वॉल्यूम ऑफ क्या क्या होता है, साइड इंटू साइड इंटू साइड, कुछ नहीं करना, ए क्यूब हो जाता है, यानी कि ए क्यूब मान सकते हैं इसको हम, मैं जनरली ऐसे याद करवाती हूँ ए क्यूब करके, तभी बच्चों को बहुत ईजी हो जाता है। साइड इंटू साइड इंटू साइड कितना बोलेगा वो, ठीक है। तो ए क्यूब हो गया तो सिंपल क्या होगा, 5 × 5 × 5, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो कितना होगा, 125 मीटर क्यूब, दैट इज, क्योंकि मीटर क्या हम कितनी बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3 बार, तो क्या आएगा वॉल्यूम हमेशा क्यूब में रहता है, और स्क्वायर यानी कि जो एरिया होता है वो हमारे किस में होता है, स्क्वायर में। याद रखना कि वॉल्यूम हमेशा क्यूब में रहता है और स्क्वायर हमेशा किस में होता है, स्क्वायर में। वॉल्यूम हमेशा क्यूब और एरिया हमेशा स्क्वायर, ये चीज याद रखनी है आपको, इससे आपको पता चलेगा क्या करना है कैसे करना है, ठीक है। नाउ चैप्टर इज फिनिश्ड, अब चैप्टर अच्छे से फिनिश्ड हो गया, इसका रिवीजन करो अच्छे से, वर्क करो इस पे, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर कुछ ना आए तो कमेंट बॉक्स में लिख देना कि ये क्वेश्चन नहीं आया है, अगर मैं इसे करा दूंगी, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अच्छे से पढ़ो अच्छे से काम करो, और अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और इससे पहले की वीडियोस देखने तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से जाके आप उससे पहले वाली वीडियोस देख सकते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।